जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दो दिन में दो स्मार्ट मीटर में लगी आग, स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता पर उठने लगे सवाल, सफाई दे रहा बिजली विभाग। जिला अस्पताल में फिर हुई एक प्रसूता की मौत, परिजनों ने लगाया चिकित्सकों पर गंभीर आरोप। कंचनपुर के लाल शहीद शुभम रहांगडाले की स्मृति में बनाया गया शहीद स्मारक पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लालगोरा में सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन के साथ ही महोत्सव का हुआ समापन, लकी ड्रॉ में इनाम पाकर खिले चेहरे। कबाड़ में कटंगी की 108 एम्बुलेंस, दुर्घटना में घायल को नगर पालिका की कचरा गाड़ी से पहुंचाया गया अस्पताल। दीपावली के करीब आते ही सजने लगी मिठाई की दुकान, मिठाई की एक्सपायरी डेट को लेकर फिर उठने लगे कई सवाल। भारत सरकार के द्वारा गरीब तबके के लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की गई, जहां आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन आयुष्मान भारत योजना से अटैच कुछ निजी अस्पताल शासन की इस योजना के तहत गरीबों को निःशुल्क उपचार प्रदान नहीं कर रहे, जिसके चलते आयुष्मान कार्डधारी हितग्राही उपचार पाने के लिए शासकीय कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयुष्मान भारत जिला समन्वयक अधिकारी नगर के दो निजी अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत हितग्राहियों को स्वास्थ्य लाभ न दिलाए जाने की शिकायत मिली है, जिसकी जांच समन्वयक अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। आयुष्मान भारत योजना से अटैच निजी अस्पतालों की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि यदि कोई हितग्राही लिखित में शिकायत करता है तो फिर संबंधित निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ हॉस्पिटल में उपचार नियमित किया जा रहा है, मुझे मौखिक कंप्लेंट मिला है कि यहाँ मैं उपचार नहीं मिल पा रहा है, तो अगर कोई हितग्राही हमारे पास लिखित कंप्लेंट ला के दे देता है तो हम हॉस्पिटल को उचित कार्रवाई कर पाएंगे। अभी इस पर मतलब जांच चालू है कि हॉस्पिटल ने किन किन हितग्राहियों को मना किया है, तो यदि कोई हितग्राही लिखित कंप्लेंट लेता है तो हम उसको अमल में लाएंगे। अब बालाघाट शहर में कितने ऐसे अस्पताल है जो इस कार्ड का लाभ दे रहे हैं? हमारे बालाघाट में 5 हॉस्पिटल है जिसमें आयुष्मान का लाभ ले सकते हैं हितग्राही। पहला निदान हॉस्पिटल, समाधान हॉस्पिटल, मिताली नर्सिंग होम है, आयुष्मान हॉस्पिटल है, और अभी करंट में ही सुश्रुत हॉस्पिटल हुआ आयुष्मान में, यहाँ भी हितग्राही अपना इलाज करवा सकता है। अच्छा, जिला चिकित्सालय में क्या स्थिति आयुष्मान कार्ड की? जिला चिकित्सालय में आयुष्मान से निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। यहाँ करीब 3 से 3.5 हज़ार लोगों का आज दिनांक उपचार किया जा चुका है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड जो सरकार द्वारा एक स्कीम लाई है, इसमें अब तक कितने लोगों का लाभ देखा? बालाघाट जिले में करीब 5 से 6 हज़ार लोगों ने आयुष्मान का लाभ ले चुके हैं, जिसमें से मतलब बालाघाट के प्राइवेट अस्पतालों में भी, गवर्नमेंट अस्पतालों में भी, प्लस बालाघाट के जो हितग्राही है इन्होंने अन्य दूसरे शहरों में भी जाके आयुष्मान का लाभ लिया है। तो बताएं कि जिले में आयुष्मान कार्ड योजना के लगभग 3,500 हितग्राहियों का उपचार जिला अस्पताल में किया जा चुका है। वहीं 5 से 6 हज़ार हितग्राहियों ने इस योजना का लाभ निजी अस्पतालों में लिया है, जिन्हें केवल बालाघाट के निजी अस्पतालों में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों के निजी अस्पताल में हितग्राहियों का उपचार किया गया है। वहीं जिले सहित अन्य राज्यों के विभिन्न निजी अस्पतालों को योजना में अटैच करने की तैयारी शुरू है। ऐसे में यदि हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ नहीं मिलता है तो वे निश्चित ही परेशान होते हैं। निश्चित तौर पर यदि एक या दो अस्पतालों पर वैधानिक कार्रवाई हो गई तो फिर इस योजना से अटैच समस्त निजी अस्पताल की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा और वे लोगों को योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का लाभ देने लगेंगे। दीपावली त्योहार के नजदीक आने के साथ ही बाजारों में मिठाइयों की दुकान सजने लगी है। इस त्योहारों में मिठाइयों का काफी महत्व है, जिसको लेकर तरह तरह की मिठाइयां दुकान में सजाई गई, लेकिन शहर के अधिकांश मिठाई दुकानों में मिठाई की एक्सपायरी डेट का उल्लेख नहीं किया गया है। काफी ऐसी दुकानें हैं जिन्होंने एक्सपायरी डेट का उल्लेख तो किया है लेकिन उसे अपडेट करना भूल गए।
आपको बताएं कि मिठाई को लेकर मिलावट की लगातार खाद्य विभाग को शिकायतें भी मिल रही। बावजूद इसके कि शहर में खाद्य विभाग की कोई सकारात्मक कार्रवाई देखने में नजर नहीं आ रही है, वहीं खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो दीपावली को एक सप्ताह का समय शेष रहेगा, तब इसके दौरान विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मिष्ठान प्रतिष्ठान के संचालक प्रदीप राय ने कहा कि दीपावली के त्यौहार को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि शासन के जो निर्देश है उसका पालन किया जाना जरूरी है। जो भी दुकानदार मिठाई बनाता है उस मिठाई की एक्सपायरी डेट जरूर उल्लेख करना चाहिए, जो कि एक जागरूकता का कार्य है। इस ओर खाद्य विभाग को भी गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। असर तो कुछ नहीं बनना है, लेकिन मिठाई की दुकान में जितने मिठाइयाँ बनाई है एज पर गवर्नमेंट रूल, जो गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं लिखना चाहिए, जो लिखना चाहिए। क्योंकि देखो ये मेरे को ऐसा लगता है कि बालाघाट एक बहुत बड़ा शहर है, छोटा शहर है, यहाँ पे जितनी भी मिठाई की दुकान है उन लोग हर मिठाइयाँ इतनी ही क्वांटिटी में बनाते हैं जो एक से दो दिन में गुजरते हैं, के बावजूद भी हमें एक्सपायरी डेट लिखना चाहिए। क्योंकि अगर हमें सरकार की तरफ से अगर बोला जाए तो उसको उस आदेश को हमें मानना चाहिए। अच्छा, नहीं मानने में ये बताइए, नहीं मानने में दो चीजें होती है। एक तो हम सरकार की जो आदेश सरकारी रूल को फॉलो नहीं कर रहे, जो कि गलत बात है, बिल्कुल ना चाहिए। दूसरी चीज, एक ग्राहक एक उपभोक्ता जो एक दुकान में जाके देख रहा है कि यार यहाँ पे सब स्टूडेंट है, दूसरी दुकान में जाके देख रहा है, भले वो उसके सामने मिठाई बनाया हो या लगाया हो, माल लगाया हो, और वो देखेगा कि नहीं, तो एक दिल में खटक आती है यार, जब हो रहा है कोई नियम बना है तो सबके लिए बना है, एक के लिए बना, एक के लिए, तो ये सामने वाला क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, तो करना चाहिए। अच्छा, जैसा देखा जाता है कि इन सब चीज़ों में खाद्य विभाग का नियंत्रण होता है, तो अभी तक कोई ऐसी टीम या कोई ऐसी जानकारी के लिए कोई खाद्य विभाग से आया अभी तक? हाँ जी, हमारे यहाँ दो बार आ चुके हैं। अच्छा, अभी ये दो तीन दिन पहले और आए थे, उन्होंने चेक करके हमें शाबाशी भी दी। अच्छा, जैसे आपके बाजू में ही दुकान है, वहाँ पर इस प्रकार के नियम की क्या कार्रवाई होगी? देखिए, अभी हम लोगों ने एक अभियान चलाए थे, अभी दो तीन दिन पहले हमने जितने भी मिठाई के व्यवसायी हैं, चूंकि अभी दिवाली को एक हफ्ते का समय है तो उनके यहाँ अभी पर्याप्त मात्रा में मिठाई तैयार नहीं पाई गई है। एक हफ्ता के अंदर जो है त्यौहार के अधिक से अधिक मात्रा में लोग मिठाई बनाते हैं और तैयार करते हैं, क्योंकि मिठाई की जो सेल्फ लाइफ होती है वो ज़्यादा नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में उन्हें ये निर्देश दिया गया है कि जो मिठाई बनेगी वो अच्छे कच्चे खाद्य सामग्री से बनाए, अच्छा मावा अच्छे दूध से बनाए, और साथ में जो अधिनियम में जो प्रावधान है उसके अंतर्गत मिठाइयों में जो तिथि है वो तिथि का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। काफी जगह देखा जाता है सर, जैसे शहर की बात करें तो गली चौराहों में जो लोग मिठाई रखकर देते हैं, उनके लिए कोई निर्देश या कोई कार्रवाई? निर्देश दिए गए हैं, यदि उनके द्वारा अगर पालन नहीं किया जाता निर्देशों का तो उनके विरुद्ध न्यायालय की कार्रवाई सीधे धारा 56 के अंतर्गत में हम लोग के द्वारा की जाए। क्या लगता है सर, कार्रवाई देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी कार्रवाई। शहीद भगत सिंह शासकीय जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में बीती रात एक महिला की ऑपरेशन के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से संगीता पति कृष्ण किशोर पटले 24 वर्ष निवासी चीमाटोला कुंडे मोगावट्टा की मौत हो गई। इस महिला के परिजनों ने महिला चिकित्सक डॉक्टर गीता बारमाटे के विरुद्ध ऑपरेशन में लापरवाही बरतने से महिला की मौत होने का आरोप लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 अक्टूबर को संगीता को प्रसव पीड़ा होने पर उसे 4 बजे दिन में जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में प्रसव हेतु भर्ती किया गया था। रात्रि 9:30 बजे संगीता का ऑपरेशन किया गया। संगीता ने एक बेटी को जन्म दिया। ऑपरेशन के कुछ देर बाद ही संगीता की अचानक तबीयत खराब हो गई और महिला चिकित्सक ने संगीता को जिला अस्पताल से रेफर करते हुए परिजनों को बोला कि इसे दूसरे अस्पताल कहीं भी इलाज करवाने के लिए ले जाए, इसकी हालत ज़्यादा खराब हो गई है। तब रात्रि 11 बजे संगीता को उसके पति कृष्ण किशोर और परिजन गोंदिया के प्राइवेट अस्पताल ले जा रहे थे, किंतु गोंदिया पहुंचने के पूर्व ही संगीता की मौत हो गई, जिसका शव वापस जिला अस्पताल लाया गया। मृतिका के परिजनों ने जिला अस्पताल की व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाते हुए यहाँ पर पदस्थ डॉक्टर गीता बारवाटे पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए संगीता की मौत का कारण बताया है। आपकी जो व्यवस्था यहाँ की बिल्कुल पसंद नहीं, और बार मैटर मैडम का केस बहुत बिगड़ चुके हैं। आज से नहीं, मैं 15 सालों से जान रहा हूँ यहाँ, 15 सालों से जान रहा हूँ, मैं बच्चा था तब से।
तो यहाँ की व्यवस्था ही ठीक नहीं है? नहीं। क्या जा पूरे बच्चे इनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई और उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई इनकी वजह से, लापरवाही पूरी लापरवाही। अरे जैसे दर्द मिल गए थे उनको घर पर, तो बोलने लगे अब हम लोग जाएंगे, फिर उनको लेके बूढ़ी हॉस्पिटल आए हम लोग, उसके बाद में प्रोसीजर हुआ तो वो लड़की हुई पैदा, उसके बाद में फिर यानी सीजर होने के बाद में तबीयत है वो ख़राब होने। तो फिर यहाँ पे इलाज नहीं किया क्या? फिर इलाज किया ना सर। हाँ, क्या बोले फिर यहाँ पर? इलाज करने के बाद में कोई रिलीफ नहीं मिला, तो फिर जो तकलीफ है वो बढ़ते जा रही है। फिर क्या इन्हीं ने रिफ़र कर दिया फिर? हाँ, इनने बोले हमसे नहीं समझ पा रहा, आप लोग सामने जा सकते। गोंदिया लेके गए सर। तो रास्ते में डेट हो गई? तो 2 किलोमीटर यानी हॉस्पिटल थी, नहीं तभी डेट हो गई। वहीं इस मामले में डॉक्टर गीता बारभाटे ने बताया कि संगीता का पहले भी सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था, इस बार भी सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं गई, संगीता की स्थिति बेहतर थी, अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और परिजनों ने अन्य अस्पताल ले जाने के लिए रेफर करने की मांग की, जिसके बाद उसे यहाँ से रेफर कर दिया गया। परिजनों के द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। नहीं नहीं, ऐसी कोई लापरवाही नहीं हुई थी, और वो जो पेशेंट थी, जो भाई थी, उसका पहले भी सीजेरियन ऑपरेशन हुआ था और इस बार भी उसका ऑपरेशन, उसको दर्द हो रहा था इसलिए उसको तत्काल ऑपरेशन लिया गया था, और ऑपरेशन की जरूरत थी, और ऑपरेशन के समय भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी, ऑपरेशन के पहले भी सब नॉर्मल था, ऑपरेशन के बाद भी जब ऑपरेशन कमरे में थी तब तक भी वो अच्छी थी, ऑपरेशन के 2 घंटे बाद उसकी स्थिति बिगड़ी, उसको भी कंट्रोल किया गया लेकिन वो रिकवर नहीं हुई। फिर उनके परिजनों ने बोले कि हम बाहर और अन्य अस्पताल में ले जाना चाहते हैं, फाइल में लिखे, और वो गए, और उसके बाद में फिर उसकी जनरल कंडीशन और डिटोरेट हुई और उसकी डीसी बन गई। आरोप पूरे बेबुनियाद है, ऑपरेशन में हमको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं गई, और बढ़िया हो गया था ऑपरेशन, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, सब बढ़िया थे। यहाँ तक कि जब उसको झटके आए थे तब भी हमने देखे थे उसका ब्लड प्रेशर, पल्स, बीपी, यूरिन आउटपुट, SpO2 सभी, सब कुछ नॉर्मल थी। अब ये कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है जो पहले से रही होगी, और जो कि ऑपरेशन के दौरान एकदम वो एग्जाजरेट हो गई, ये भी हो सकती है, या और भी कोई अन्य मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। हम सर्जिकल प्रॉब्लम तो उसको नहीं था। नगर के हृदय स्थल गुजरी चौक स्थित सूरज भवन के सामने शनिवार की शाम उस समय हड़कंप मच गया जब सोने का रानी हार खरीदने के 5 मिनट बाद ही एक महिला के पर्स से 1.5 लाख रुपए का वह हार चोरी हो गया। यह घटना उस समय हुई जब यह महिला सूरज भवन स्थित मयंक ज्वेलर्स से 1.5 लाख रुपए का रानी हार खरीदकर अपनी भाभी व देवर के साथ पैदल ही मेन रोड पर निकली थी। वे मयंक ज्वेलर्स से कुछ ही दूरी पर स्थित बापना ज्वेलर्स तक पहुंची थी कि उनके कंधे में रखे बैग से किसी ने जेवरातों का डब्बा ही गायब कर दिया। इधर चोरी की सूचना मिलते ही नगर निरीक्षक कमल सिंह गहलोत हमराज स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने महिला से मामले की जानकारी लेकर जांच पड़ताल की, किंतु पुलिस को अभी तक किसी नतीजे पर वह नहीं पहुंच पाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के समीप ग्राम कोसमी वार्ड नंबर 4 निवासी ओमकार माहौले की पत्नी रितु माहौले अपनी जेठानी रुक्मिणी माहौले और देवर के अक्षय के साथ शाम 5:30 बजे गुजरी चौक स्थित मयंक ज्वेलर्स में जेवरात खरीदने पहुंची थी। रितु माहौले ने मयंक ज्वेलर्स के यहाँ से 1.5 लाख रुपए का रानी हार खरीदा था और हार को पर्स में रखकर रितु माहौले अपनी जेठानी और देवर के साथ पैदल ही मेन रोड पर निकली थी। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने जैसे ही अपना पर्स चेक किया, पर्स से सोने का हार गायब हो गया था। बाइट ओमकार माहौले। मेरी वाइफ जो मयंक ज्वेलर से गले का हार लिए, उसके बाद मयंक ज्वेलर से होते बापना ज्वेलर्स तक गए पैदल, और उसी बीच में पर्स से जो हार वाला डब्बा था। कब सूचना मिली आपके वाइफ को? हम बिल्कुल यहाँ से 5 मिनट नहीं लगा होगा मैं बापना ज्वेलर से। लगभग कितने की, कितने का था सामान? वो था डेढ़ लाख। नहीं, किसी ने निकाला, गिरा तो नहीं, क्योंकि चैन लगा। वन विभाग कटंगी के अमले ने शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात में कुड़वा से खैलांजी सड़क मार्ग पर गश्ती के दौरान एक पिकअप वाहन से करीब 70,000 रुपये के बेशकीमती इमारती लकड़ी, सागौन के लट्ठे अवैध तरीके से परिवहन करते हुए बरामद किए। उप वन मंडल अधिकारी अमित पटौदी ने बताया कि इस मामले में वन विभाग ने आरोपी ज्योतिलाल साखरे निवासी टोयापार, योगेश पारधी निवासी दिग्धा को हिरासत में लिया है। वहीं वन विभाग ने पिकअप को भी जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ वन अपराध दर्ज कर लिया गया है।
तिरोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बमनी निवासी एक 24 वर्षीय विवाहित महिला ने अपने ग्राम के एक व्यक्ति के विरुद्ध शादी का प्रलोभन देकर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। तिरोड़ी पुलिस ने इस महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर आरोपी उमेश मानवटकर 35 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में उप जेल वारासुनी भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 में दिसंबर माह में यह महिला अपने पति बच्चे के साथ उमेश मानवटकर के साथ जाम सावरी घूमने गए थे। इस महिला से उसकी यहाँ पहचान हो गई थी। 12 अक्टूबर 2021 को उमेश ने इस महिला को बमनी से जाम महाराष्ट्र लेकर गया और वहां अपनी बुआ प्रमिला के घर में रखा। इस महिला के गुम होने की रिपोर्ट उसके परिवार वालों ने तिरोड़ी थाने में दर्ज की थी। 19 अक्टूबर 2021 को तिरोड़ी पुलिस ने इस महिला को थाने ले आई। तब उमेश के डर और दबाव में आकर उमेश मानवटकर के साथ रहना चाहती हूँ करके ऐसा उन्होंने बयान दिया था। इसके बाद उमेश ने इस महिला को तिरोड़ी में 3 दिन तक रखा। तब महिला को शक होने लगा कि वह उसे धोखा दे रहा है। 21 अक्टूबर को इस महिला ने उमेश से शादी करने के लिए बोला, किंतु उमेश ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह महिला रिपोर्ट दर्ज कराने तिरोड़ी थाना पहुंची। तिरोड़ी पुलिस ने इस महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उमेश मानवटकर के विरुद्ध धारा 376(2)(N), 456(506) भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर उसे इस अपराध में गिरफ्तार किया। 23 अक्टूबर को तिरोड़ी पुलिस ने उमेश मानवटकर को कटंगी की विद्वान अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल वारासुरी भिजवा दिया गया है। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम धामन गांव समारू टोला में दो मोटरसाइकिल आपस में टकराने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य एक युवक घायल हो गया है, जिसे बिरसा के अस्पताल में भर्ती किया गया। मृतक युवक फग्गन सिंह दुर्वे 26 वर्ष ग्राम लालपुर पुलिस चौकी मछुरदा निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को 4:30 बजे फग्गन सिंह मोटरसाइकिल में मुंडन कार्यक्रम का सामान लेने के लिए धामन गांव जा रहा था। तभी धामन गांव के समारी टोला बोरिंग के पास सामने से आ रही मोटरसाइकिल ने फग्गन सिंह की मोटरसाइकिल से टकरा गई। दोनों मोटरसाइकिल की आपस में हुई जबरदस्त टक्कर में फग्गन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई, और अन्य मोटरसाइकिल युवक घायल हो गया, जिसे बिरसा के अस्पताल में भर्ती किया गया है। वारासुनी न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार ने शनिवार को मारपीट के मामले में दो सगे भाई राम स्वरूप इड़पाचे देवीलाल इड़पाचे को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 6,000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालबरा थाना के अंतर्गत ग्राम मनुटोला के सभी आदिवासी समाज के लोग 25 अप्रैल 2020 को तीज के दिन भीमादेव की पूजा करने गए थे। इस दौरान आरोपियों ने उनसे मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिस पर लालबरा थाने में पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर भारतीय दंड विधान की धारा 294, 323, 506, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जाँच में लिया था। और इसके बाद अमित मस्कुल्ले, जो गंभीर रूप से घायल था, उसके डॉक्टर्स की रिपोर्ट लगाई गई, जिस पर पुलिस के द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा 326 धारा बढ़ाई गई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा दोनों भाई राम स्वरूप और देवीलाल को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिनका द्वितीय अपर सत्र न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था, जिसमें शनिवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत ने सभी साक्ष्य, गवाह और दस्तावेजों के आधार पर दोनों भाई राम स्वरूप पिता मिठनलाल इड़पाचे और देवीलाल इड़पाचे का दोष सिद्ध होने पर दोनों को भारतीय दंड विधान की धारा 326(34) में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 323 में रविन्द्र उइके व दिनेश टेकाम के लिए 6-6 माह का कारावास, 1,000 का अर्थदंड कर सभी सजा एक साथ भुगतने की सजा सुनाई है। 326-323 के एक मामले में माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री कुमार साहब द्वारा धारा 326 में 5 वर्ष का कारावास और अर्थदंड और 323 में 1 वर्ष का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। मामला इस प्रकार है कि आदिवासी प्रार्थी और अभियुक्त आदिवासी समाज के थे। इनके यहाँ संजोरी का कार्यक्रम होता है। संजोरी के कार्यक्रम के लिए अपने इनके देवता के खेत में कोई पेड़ होता है, तो वहाँ पूजा करके पूजा हुई, खाना वाना खाने बैठे थे। खाना खाने के दरमियान ये आरोपी रामस्वरूप ने बोला कि तू जल्दी खाना नहीं खा रहा है। वो पीड़ित ने बोला कि भाई खाना तो खा रहा हूँ मैं। इसी बात से आरोपी राम स्वरूप और क्या नाम दूसरा एक और आरोपी है, दोनों ने उसके साथ लकड़ी से मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई।